गाजियाबाद में सपा का नया सियासी दांव, कांग्रेस कोटे की सीटों पर बड़ी हलचल, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है और एक सीट पर उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल RLD भाग ले रही है। सपा ने पहले कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर सीटें छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने सहमति नहीं दिखाई। इसके बाद सपा ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिससे अखिलेश यादव का नया सियासी प्रयोग सामने आया है। गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर BJP का एक छत्र राज कायम है। BJP की मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने पहले इन सीटों पर चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लिए थे। फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। खैर सीट पर चारू कैन और गाजियाबाद सीट पर सिंह राज जाटव को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद विधानसभा सीट पर अयोध्या और मेरठ लोकसभा सीट वाला सियासी दांव चला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित प्रत्याशियों को उतारने का जो प्रयोग किया गया था, उसे दोहराते हुए गाजियाबाद सीट पर सिंह राज जाटव को टिकट दिया गया है। सपा का लक्ष्य यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ दलित वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करना है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर चारू कैन को उम्मीदवार बनाने का निर्णय भी एक सटीक राजनीतिक रणनीति है। ये सीट दलित समाज के लिए आरक्षित है और चारू कैन दलित समुदाय से आती है। उनकी शादी एक जाट परिवार में हुई है, जिससे जाट और दलित दोनों वोटों को साधने की कोशिश की गई है। चारू कैन का सपा में आना भी कांग्रेस के लिए एक झटका है, जिसने पहले इन सीटों पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब देखना है कि गाजियाबाद और खैर की ये सीटें सपा के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। राजसत्ता TV पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।